कोरोना के समय में भारत सरकार तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो कई क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन तेजी से हो रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि विदेश मंत्रालय, जिसके तहत पासपोर्ट बनाए जाते हैं, उसने निर्णय लिया है कि जल्द ही टच रहित और जिसमें कि एक चिप सहित जो है पासपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि आईआईटी कानपुर और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर दोनों के ज्वाइंट वेंचर या ये कहिए कि अनुबंध से ये काम होगा। नेशनल सिक्योरिटी प्रेस नासिक में ये तैयार किया जाएगा और इसमें एक छोटी चिप होगी जो कि वो फिजिकल पासपोर्ट के साथ वो छोटी चिप लगी होगी, जिसमें कि डेटा सेव किया जा सकेगा, डिजिटल सिग्नेचर, फोटो और व्यक्ति का फोटो हो गया, और उसके अलावा जो तकरीबन 30 जो यात्राएं और वीज़ा डिटेल्स उस पासपोर्ट में रहेंगी। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे टच रहित इमिग्रेशन हो सकेगा और दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से है और इस तरह के ई पासपोर्ट कहिए या डिजिटल पासपोर्ट काफ़ी सफल पासपोर्ट माने जा रहे हैं। हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से शुरू हो चुकी है। भारत सरकार भी 2017 से डिजिटल पासपोर्ट या ई पासपोर्ट कहिए उनको बनाने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन अब जब से कोरोना का संकट देश और दुनिया पर छाया तब से सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं और आने वाले समय में ई पासपोर्ट लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे कि जो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड और कई तरह के जो पासपोर्ट फ्रॉड होते हैं वो सब भी उससे कंट्रोल किए जा सकेंगे। धन्यवाद।